एक वो दिन था जब मोदी सरकार ने देश भर में नोटबंदी कर काला धन रखने वालों की कमर तोड़ दी थी, और एक आज का दिन है जहां पुराने नोटों का बिस्तर मिल रहा है। जी हां, कड़ाके की ठंड में यूपी पुलिस और एनआईए ने कानपुर के दो व्यापारियों के घर में रेड मारी, जहां पुराने नोटों के बिस्तर मिलने से लोगों के होश उड़ गए। नोटबंदी के 14 महीने बाद पुराने नोटों का बेड मिला है, और जिन दो व्यापारियों के घर से पुराने नोटों की करेंसी मिली है वो करीब 96,62,00,000 रुपए बताई जा रही है। पुराने नोट रखने के चलते पुलिस ने नामी बिल्डर और कपड़ा व्यापारी और मनी एक्सचेंजर समेत 7 लोगों को धर दबोचा है और इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने में जुट चुकी है। नोटबंदी के बाद देश में पकड़ी गई ये पुराने नोटों की सबसे बड़ी खेप है। 14 महीने बाद इन पुराने नोटों को खपाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए काला धन रखने वालों को आखिरकार दबोच ही लिया। NMF News की रिपोर्ट।